ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों को धमकाया। अटेर उपचुनाव के लिए वीवीपैट की मशीन का डेमो किया जा रहा था कि उस दौरान चार नंबर का बटन दबाने पर कमल के फूल की पर्ची निकल रही थी, जबकि कमल के फूल का निशान पहले नंबर पर है। पत्रकारों ने जब इससे जुड़ा सवाल किया तो सलीना सिंह भड़क गई और कलेक्टर इलैया राजा सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों को धमकाया कि खबर दिखाई तो थाने में बंद करवा दूंगी। सलीना सिंह अटेर उपचुनाव की समीक्षा बैठक में आई थी। आपको बता दें कि यूपी इलेक्शन में बीजेपी को बहुमत मिलने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। देश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों को धमका दिया। अटेर उपचुनाव के लिए वीवीपैट की मशीन का डेमो किया जा रहा था और इसी दौरान चार नंबर का बटन दबाने पर कमल के फूल की पर्ची निकल रही थी, जबकि कमल के फूल का निशान पहले नंबर पर भी है, यानी पहले नंबर और चौथे नंबर दोनों ही जगह से बीजेपी की पर्ची निकल रही थी। पत्रकारों ने जब इससे जुड़ा सवाल किया तो सलीना सिंह भड़क गई और कलेक्टर इलैया राजा सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में ही पत्रकारों को धमकाया कि खबर दिखाई तो थाने में बंद करवा दूंगी। सलीना सिंह अटेर उपचुनाव की समीक्षा बैठक में आई थी। आपको बता दें कि यूपी इलेक्शन में बीजेपी को बहुमत मिलने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं और यही सवाल जब भिंड में पत्रकारों ने उठाया तो फिर भड़क गई सलीना सिंह और थाने में बंद करवाने की धमकी दे दी।